हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। और अभी हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 है सोशियोलॉजी पेपर 1 का। ये चैप्टर जो डील करता है सोशल चेंज के साथ। तो बहुत ही जैसे एक ऐसा चैप्टर है कि बहुत सारी थियोरीज पढ़नी पड़ेंगी इसमें आपको। और ये बहुत सारी थियोरीज हैं, जितना आप इनको याद रखने की ट्राई करेंगे उतना आपका एग्जाम में मार्क्स बढ़ने के चांस, जो मार्क्स अच्छे आने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो टॉपिक होता है सोशियोलॉजिकल थियोरीज ऑफ सोशल चेंज, की किस तरह से समाज में जो बदलाव आ रहा है उसको किस तरह से सोशियोलॉजिकली किस किस ने कैसे कैसे बताया कि समाज में बदलाव किस तरह से आ रहा है, किन कारणों से आ रहा है, कैसे आएगा, कैसे जाएगा, क्या जो भी बहुत सारी कहानियां हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। और ओके, चलो यहाँ पर सबसे पहले जो बात देखने वाली है कि जो थियोरी ऑफ सोशल चेंज है उसमें देखो बात जैसे क्या समझी जाती है कि जो जो बदलाव आ रहा है समाज में वो एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। जो थ्योरी बनाने वाला इंसान है कहीं ना कहीं वो थ्योरी बनाने के लिए जब वो बात करता है तो हमने पढ़ा था कि वो एक यूनिवर्सल अटेम्प्ट करता है कि मैं पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा वो, कि पूरी दुनिया में मैं जो भी थ्योरी बनाऊंगा वो पूरी दुनिया के सोशल चेंज को बता पाएगी। ठीक है, और अभी आपको अगर डिफाइन करना हो, ठीक है, डिफाइन करना हो कि सोशल चेंज है क्या, ठीक है, तो डेफिनेशन देखो यहाँ पर कि सोशल चेंज किस तरह के, किस चीज को मैं बोलूँ कि अगर कुछ बदल गया तो सोशल चेंज कहलाएगा, कि वो सोशल स्ट्रक्चर कि जो आपके समाज का स्ट्रक्चर अगर वो बदल जाए, हम बोलते हैं समाज में बदलाव आया, जो चीजें जिन जो एग्जिस्ट करती थी, फंक्शन एग्जिस्ट करते थे वो फंक्शन बदल जाए, जो सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, जो सोशल जो जितनी भी आइटम्स हैं, जो चीजें हैं वो अगर उनका फंक्शन बदल जाए तो हम बोलते हैं सोशल चेंज आ गया। देन रिलेशन कि आपस में जैसे वेरियस लोगों के, मान लो कि जैसे पहले मान लो कि जो फादर और जो चिल्ड्रन, जो उनके बच्चों का रिलेशनशिप था काफी स्ट्रिक्ट था, फादर का रोल ऐसे माना गया, बहुत सारे आपने पढ़ा भी था अपने चैप्टर में थिंकर्स में, सॉरी उसमें फैमिली में फादर का रोल इंस्ट्रूमेंटल माना गया। पार्सन्स कहते हैं ना फादर का रोल इंस्ट्रूमेंटल है, कि फादर एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है कि फैमिली के लिए जरूरी है कि फादर, और वो क्या करते हैं जैसे काम आपके लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं एंड अर्न्स फॉर यू। तो लेकिन अभी ये रोल, और मदर का रोल जैसे था वो इमोशनल माना गया, मदर इज इमोशनल, तो लेकिन अभी दोनों फादर और मदर दोनों ही इमोशनल होते जा रहे हैं क्योंकि बच्चे कम हो गए ना। पहले बच्चों की एक रेल लगी हुई थी 10-12 बच्चे, अब बच्चे कितने कम हो गए, और बच्चे एक या दो ही रहते हैं, तो अकॉर्डिंगली दोनों ही पेरेंट्स काफी इमोशनल हो गए हैं। तो ये रिलेशनशिप्स किस तरह बदलते हैं, जैसे एल्डरली के साथ क्या रिलेशनशिप था, भाई बहनों में आपस में क्या रिलेशनशिप चल रहा है, कि भाई ही जैसे चाहे भाई छोटा भी होता है पहले वो भाई ही सबसे जो प्रधान था, अभी एज वाइज हो गया, अगर बहन बड़ी है तो उसका हक चलता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली फैमिली का जो क्या चल रहा है, रिलीजन के साथ, जेंडर में, एटसेट्रा, वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इन सब के साथ रिलेशनशिप क्या है, इनके आपस में, इनके बीच में, इनके बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो ये सभी चीजों के बदलाव को हम क्या बोलते हैं, सोशल चेंज आ गया। ठीक है, और एक बहुत ही एक अच्छा सा डायलॉग है, वो डायलॉग अगर याद कर लो तो बहुत ही फायदा होता है, जैसे जो सोशियोलॉजी इटसेल्फ इज अ चाइल्ड ऑफ सोशल चेंज, ये डायलॉग तो बहुत ही जगह लगा सकते हो, हमने पहले भी देखा, हमने पॉलिटिक्स के चैप्टर में देखा हम जगह जगह कि ये डायलॉग लगाते रहो कि जब फ्रांस में पॉलिटिकल चेंज आया, बहुत ज्यादा सोशल चेंज आया, तो उसके बाद ही सोशो का जन्म भी हुआ था। बहुत बढ़िया जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं सोशल चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जैसे सबसे पहली जो थ्योरीज होती है उनका नाम है एवोल्यूशनरी थ्योरीज। ये एवोल्यूशन के हिसाब से चलती हैं कि ना इवॉल्व, कि पहले समाज इस लेवल पर था स्टेज 1, देन समाज स्टेज 2 पर आ गया, देन 3 पर आ गया, सो ऑन सो फोर्थ, समाज की स्टेजेस आगे आगे बढ़ती रहती हैं, इवॉल्व कर रहा है समाज। उसमें जो सबसे पहली वाली जो एवोल्यूशनरी में सबसे पहले टाइप है यूनिलीनियर। देखो मैं आपको यहीं पे वार्न कर रहा हूँ, आपको एक बार पढ़ते हुए लगेगा इतना सारा कंटेंट ये कैसे याद होगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बार रिपीट करना है, थर्ड टाइम यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज कि सब याद हो गया। ठीक है, तो ओके यूनिलीनियर सबसे पहले, क्योंकि ना काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज है, और हमने बहुत सारे नोट्स में से, जैसे एक कोई सिंदूरी मैम के नोट्स हैं उनके नोट्स में से हमने बोरो किया है, तुषार अंशु के नोट्स हैं, ही इज अ टॉपर एज वेल, उनके नोट्स से बोरो किया है। तो देखो जहां पर बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल है तो हमें लगता है कि हमें वहां से बोरो करके उसमें से अगर अच्छा सामान है, इग्नू, क्योंकि सभी का जो प्राइमरी सोर्स है दैट इज इग्नू, इग्नू में से सभी ने सामान बनाया एंड इग्नू में कुछ अपने एग्जाम्पल्स डाल दिए, अपने जो और मेहनत कर दी, तो हमने भी थोड़ा अटेम्प्ट किया यही कि हम इग्नू प्लस जो किसी टॉपर्स के नोट्स एंड जैसे, क्योंकि हम अपने टाइम पे हमने भी यूज किया था, इवन दैट बेनिफिटेड अस एंड हमारे भी सोशो में मार्क्स कंसिडरेबली काफी हाई रहे थे बाकियों से, क्योंकि नोट्स काफी ऑर्गेनाइज्ड थे। तो मैं अगेन वही बोल रहा हूँ कि आपको चाहे लग सकता है ये कंटेंट ज्यादा है, लेकिन प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये कंटेंट इनफ है, आपको बहुत मदद मिलेगी इस कंटेंट के थ्रू, आपको जो बहुत सारा सामान कवर करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो साथ बने रहिएगा और थोड़ा मेहनत मेहनत साथ साथ कीजिए। ठीक है, ओके,
देखो एवोल्यूशनरी में यूनिलीनियर किनर्स की एक एक ही लाइन में चलता है एवोल्यूशन, यूनिलीनियर बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एवोल्यूशन। इसको इसको जो जिस जिसने भी थ्योरी दी उसने माना ये यूनिवर्सल है, ठीक है, ये सब जगह एप्लीकेबल है मेरी थ्योरी जो मैं दे रहा हूँ आपको, और ये होगा ही होगा, मैंडेटरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी लोग हैं सभी सभी ना सभी यूरोपियंस हैं, 17वीं-18वीं सदी में बैठ के लिख रहे हैं, इनको लगता है एशियंस जो हैं ये बहुत पीछे रह गए, तो ये कभी ना कभी आगे बढ़कर आएंगे, यूरोपियन जैसे एडवांस हो जाएंगे। तो ये क्यों ये इस तरह से ग्रस्त हैं, इस मेंटालिटी से, इस पर्टिकुलर विचारधारा से। उनका मानना है कि एक ही दिशा में चलता है, पहले समाज बिल्कुल ही ऐसे था जैसे बारबेरिक था, ग्रेजुअली करते करते थोड़ा सभ्य हुआ, अब बिल्कुल ऑसम बन गए, यहाँ बन गए यूरोपियंस, ठीक है। ऐसे उन्होंने अपनी विचारधारा रखी, आप पढ़ो जितने भी नाम है, जो टाइलर, कॉम्टे, स्पेंसर, डर्कहाइम है ना, ये सभी के सभी ये लोग हैं जो यूनिलीनियर मानते हैं। अब ना इनके आगे जो उन्होंने जो वेरियस स्टेजेस दिए हैं कि इस मैनकाइंड कहाँ से कैसे पहुंचा, समाज का जो स्टेजेस दिए हैं वो भी याद हो जाएगी, अच्छी बात है। जैसे टाइलर, जो टाइलर क्या बोलते हैं कि सैवेजरी थी पहले, मारकाट चल रही है, फिर किसी ऐसा हुआ कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हुआ, एक राजा की मारकाट चल रही थी, जनता सिविलाइज होगी, बारबेरिज्म एंड देन आगे सिविलाइजेशन, वो कहने एशिया यहाँ पर है जो यूरोप यहाँ पर है, ठीक है। बुक कौन सी लिखी इन्होंने, प्रिमिटिव कल्चर, ओके। कॉम्टे, कॉम्टे क्या बोलते हैं, जो पहले थियोलॉजिकल की ऐसी सोसाइटी जो बिल्कुल ही बिल्कुल ऐसे उसमें अटकी हुई अंधविश्वास में, जो रिलीजन से जुड़ी हुई। देन कम्स मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल मतलब थोड़ा रैशनैलिटी आ रही है, एंड रैशनैलिटी से आते थोड़ा सा अपना थोड़ा फिलोसफी की तरफ चली गई है। एंड देन उसके बाद आता है पॉजिटिव, पॉजिटिव इज साइंस के द्वारा जो चल रही है, वो मानते थे एशिया अभी कहीं इसमें या इसमें है और यूरोप यहाँ पहुंच गया पॉजिटिविज्म में। पॉजिटिव में कौन सी किताब में, पॉजिटिव फिलोसफी, ओके। स्पेंसर, स्पेंसर का तो बहुत ही आसान है, वो कहते हैं पहले सिंपल सोसाइटी होती है, फिर थोड़ी सी कंपाउंड होती है, फिर डबली कंपाउंडेड, फिर ट्रेबली कंपाउंडेड, ये कहते हैं यूरोप यहाँ पे कहीं पर है। स्पेंसर का तो बड़ा आसान है याद करना, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, सिंपल देन कंपाउंड देन डबली देन ट्रेबली, है ना, तीन गुना कंपाउंडिंग होगी, इतना खतरनाक। डर्कहाइम, डर्कहाइम में भी एवोल्यूशन की बात करते हैं, आप पूछोगे कहाँ पर, अब याद करो डर्कहाइम का, वो बोलते हैं जब मैकेनिकल सॉलिडैरिटी थी, जब एक अलग सोसाइटी यहाँ पर, एक सोसाइटी यहाँ पर, इनके इंटरेक्शन बढ़ी आपस में, तो इनके नए नए ये वाली सोसाइटी वालों को इनके जो सोसाइटी लेट से ये ए थी, इसको सोसाइटी बी के नॉर्म्स पता लगे, इसके नॉर्म्स पता लगे, उससे क्या हुआ, इन जो सोसाइटी ए में नए नॉर्म्स आए तो अलग तरह के मॉरल डेंसिटी बढ़ गई, है ना, जैसे डर्कहाइम बोलते हैं मॉरल डेंसिटी इंक्रीज हो गई, तो मैकेनिकल सॉलिडैरिटी ग्रेजुअली ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी की तरफ बढ़ती गई, एंड पूरे की पूरी दुनिया में कॉमन से कुछ नॉर्म्स बनने शुरू हुए, जिस तरह से ऑर्गन्स होते हैं शरीर के ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी, इसी तरह ये डर्कहाइम बोलते हैं कि समाज भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हम सब लोग, ओके ओके। देन स्पेंसर हमने पढ़ा था, ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी देते हैं, और ये क्या बोलते हैं कि ग्रेजुअली समाज बढ़ता ही जा रहा है, और उसमें डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन भी होती जा रही है। डिफ्रेंसिएशन मतलब कि लोगों के काम स्पेशलाइज होते जा रहे हैं, है ना, जैसे और स्पेशलाइज कि पहले मान लो कोई एक सिंपल सा कोई एक डॉक्टर हुआ करता था, वो डॉक्टर करते करते स्पेशलाइज हुआ कि अच्छा कि मैं हार्ट के डिजीज देखता हूँ, फिर हार्ट वाला या फिर लेट्स से ब्रेन के डिजीज देखता हूँ, ब्रेन वाला और स्पेसिफिक हो गया कि ये न्यूरो सर्जरी करते हैं, एंड ये जो ओवरऑल ये न्यूरो वाले हैं, ये साइकेट्री वाले हैं, है ना, कितना कुछ डिफ्रेंशिएशन बढ़ती जा रही है, न्यूरो सर्जरी में भी आगे आगे वेरियस ब्रांचेज आती जा रही है, तो डिफ्रेंशिएशन होती जा रही है, लेकिन ये सभी काम एक साथ ही करते हैं। जैसे अब जो ब्रेन वाला है, ही हैज़ टू इंश्योर कि जो हार्ट वाला डॉक्टर को भी मैं उससे पूछ के रखूँ कि अगर मैं ये सर्जरी करूँगा इससे हार्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो उसको इंटीग्रेटेड करके भी रखना है, है ना, ऐसा ना हो कि चीज़ें तो बिल्कुल अलग 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 पड़ जाएँ। तो लेकिन कहते हैं अलग अलग हो क्यों रही हैं, अलग अलग होने का कारण क्या है, डर्कहाइम इस पे बिल्ड करते हैं ना, अलग अलग होने का कारण क्या है, क्योंकि हमें स्पेशलाइज करना है जैसे, तो हमें उसके लिए टाइम चाहिए, स्पेशलाइजेशन करने के लिए वी रिक्वायर टाइम, एंड टाइम कब आएगा, जब मेरे बाकी काम कोई और कर रहा है, लेट्स से अगर मुझे कपड़ा भी खुद बनाना हो, मुझे रोटी खुद बनानी हो, और ना जैसे बिजली खुद बनानी हो, तो मेरे पास टाइम कहाँ बचेगा स्पेशलाइज करने का, तो इसलिए ये सब काम, कपड़ा कोई और बना के दे रहा है मुझे फैक्ट्री में बन रहा है, खाना मेरे लिए कोई और उगा रहा है ना, सब कुछ काम कोई और कर रहा है, मुझे सिर्फ क्या करना है, बैठ के सिर्फ लेट से पढ़ाई करनी है, लेट से जो पर्टिकुलर जो मैं फील्ड में चाहता हूँ एक्सपर्टीज करना, तो इसलिए इंटीग्रेशन भी तो हो रही है कि सभी से मैं जुड़ा भी तो हूँ, अकेले तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकता, डिफ्रेंसिएशन बढ़ती जाएगी, तो स्पेंसर या डर्कहाइम सब लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन भी करनी जरूरी है, ओके। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं, स्पेंसर जी क्या बोलते हैं कि जितना जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जितनी डिग्री हाई होगी उतना ही समाज एवोल्यूशनरी स्टेज में आगे है। ऑल राइट, बहुत अच्छी बात है। और वो क्या बोल रहे हैं कि यूरोप तो सबसे ही एडवांस्ड है, लेकिन जैसे ही यूरोप ने जब दो जंग लड़ी, वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2,
उसके बाद पता लगा यूरोप तो बहुत ही पीछे है, यूरोप तो कोई आगे नहीं है। और इसी कारण दैट वॉज द टाइम वर्ल्ड वॉर वन के बाद, तो आप देखते हो कि ना दुनिया भर में यूरोप की सुप्रीमेसी का एकदम से मोह भंग हो गया, मतलब कि यूरोप सुप्रीम है ये बात लोगों ने माननी बंद कर दी, कहते आप कोई सुप्रीम नहीं हो, आप भी उतने ही जाहिल हो जितने हम सब हैं या फिर आपने हमें बोला। तो अकॉर्डिंगली यूरोपियन सुप्रीमेसी या जो मॉरल सुप्रीमेसी थी, जो मॉरलिटी में अपने आप को सबसे आगे समझते थे, वो तो बात काफ़ी एकदम से, इवन कि जो वहाँ के थिंकर थे उन्होंने भी यूरोपियन सुप्रीमेसी को मानना बंद कर दिया। वो कहते आप सिर्फ हो सकता है कि आप टेक्निकली एडवांस्ड हो लेकिन मॉरली एडवांस्ड हो हम नहीं मान सकते। ओके, तो इसलिए कह रहे हैं कि एडवांस है क्या, उसके बारे में बात भी शुरू हो गया। क्रिटिसिज्म क्या है पूरी इन सभी थ्योरीज का, कि वैल्यू बायस्ड है, वैल्यू मतलब यूरोप को आगे मानती है बाकियों के पीछे, यूरोप को ही इन्होंने पैमाना बनाकर, यूरोप को ही एक सेंट्रल फिगर बनाकर इन्होंने थ्योरी बनाई है। देन आर्म चेयर, कहीं जाके कुछ देखा दुखा है नहीं, बस सुनते सुनते बैठे बैठे ही अपने, जैसे हम जो बोलते हैं ना इंडियन ब्यूरोक्रेसी के बारे में बहुत बार बोलते हैं कि आर्म चेयर थियोरिस्ट हैं, कहीं गाँव में जाके सर्वे सर्वे कुछ किया नहीं, बैठ के थ्योरीज बना दी। तो इसीलिए आर्म चेयर थियोराइजेशन, मैक्रो थ्योरीज हैं कि कल्चरल वेरिएशन की बात ही नहीं करते, एंड इसीलिए सोसाइटीज डिक्लाइन क्यों हो गई। इतनी औसम सोसाइटीज थी, जैसे ग्रीक सोसाइटी, रोमन सोसाइटी, सिविलाइजेशन, ये सब डिक्लाइन क्यों हो गई, ये इसको एक्सप्लेन नहीं करते। कहते अगर आगे ही बढ़ते जाएंगे तो हर एक सोसाइटी को एग्जिस्ट करना चाहिए था अभी से अभी तक, तो कहाँ गई सोसाइटी बीच में से, इजिप्शियन सोसाइटी कहाँ चली गई, है ना। तो और एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ चेंज को तो मानता ही नहीं कुछ, वो कहना है कि ऑटोमेटिकली ही जो इंटरनल ही कुछ चीज़ें हो रही हैं इंसानों के, जो नॉर्म्स मॉरल्स खुद ही चेंज हो रहे हैं उसके कारण वो बदलते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल ही है, तो उसको रिकग्निशन ये कुछ खास नहीं मिल पाती। देन आती है नई तरह की एवोल्यूशनरी, न्यू एवोल्यूशनरी। वो कह रहे हैं कि एवोल्यूशनरी जो पहले थ्योरी आई थी उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको हम बदलेंगे। तो हम उसके बाद अब क्या कहते हैं कि वैल्यू जजमेंट नहीं देंगे हम कि यूरोप सबसे सुप्रीम है, उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर ने जो सैवेजरी, मतलब जो जंग चलाई थी उसके कारण जो मारकाट हुई थी, उसके चलते ये थ्योरीज का जो जन्म हुआ कि नहीं यूरोप सबसे सुप्रीम नहीं है, हम ऐसे कोई जजमेंट नहीं पास कर रहे, ठीक है। लेकिन हम हाँ एक्सप्लेन तो करेंगे सोसाइटीज मूव कैसे करती हैं। इसमें सबसे आगे हैं टैलकट पार्सन्स, ठीक है। टैलकट पार्सन्स ये क्या बोलते हैं, ये बायोलॉजिकल थ्योरी जो एवोल्यूशन को कोट करते हैं, और वो बोलते हैं कि कितनी सोसाइटी में अडाप्टेशन की कैपेसिटी है, अडाप्ट करने की, ठीक है, उसके हिसाब से ही सोसाइटी के हम बताएंगे आगे है या पीछे। तो वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को और एक्सप्लेन करते हैं। वो कह रहे हैं कि कहते सोसाइटीज डिफरेंशिएट करती जा रही हैं, दैट इज ट्रू, लेकिन कितना वो इंटीग्रेट कर पाती हैं अपने आप को साथ साथ में, उसके हिसाब से हम बताएंगे कितना अडाप्टेशन का है उनमें मैकेनिज्म, या अडाप्टेशन की कितनी कैपेबिलिटी है, उसी के हिसाब से हम बता सकते हैं सोसाइटी कितना आगे या पीछे है। जैसे अगर बात करें कि जैसे मान लो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, कितना डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, मान लो कि डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ 5 साल में एक बार है, या फिर लेट्स से पार्टी सिस्टम भी, पार्टी में जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं वहां पर भी डेमोक्रेसी है कि पार्टी में कौन सा बंदा है, या फिर परिवारवाद चल रहा है ना। तो ये सभी कुछ कि कितना डिफरेंशिएशन किस हद तक है, और अगर है भी है तो क्या वो आपने उसको बांध के रखा हुआ है, इंटीग्रेटेड है कि या फिर इस तरह से हो गया कि अच्छा सभी लोग आइसोलेशन में काम करते जा रहे हैं, डिफरेंशिएट हो गए लेकिन इकट्ठे नहीं जुड़े हुए। तो कहते जितना आप, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने का फायदा ही तब है जब आप सबको इकट्ठे भी रख पाओ, है ना। ओके, तो ये वाली चीज की बात करते हैं, लोग इतनी पार्सन्स कहते हैं इसके हिसाब से पता लगेगा सोसाइटी कौन कितना आगे कौन कितना पीछे। इसी के हिसाब से वो कह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के वेरियस परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर बेसिक सिंपल तरह से समझें तो कह रहे 5 जो स्टेजेस निकल के आती हैं एवोल्यूशन की, जैसे प्रिमिटिव सोसाइटी हो सकती है कोई, आर्केइक हो सकती है, हिस्टोरिकल, सीड बेड, मॉडर्न। देखो इसके ना बहुत डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पूछा नहीं गया कभी, हम किसी आंसर के बीच में ही जाकर बस इसको कोट करेंगे। जैसे प्रिमिटिव सोसाइटी को बोलता है जैसे बिल्कुल ही बहुत ही पीछे हैं, जो अभी जहां पर अभी डिफरेंशिएशन शुरू ही नहीं हुई बिल्कुल, अभी इंटीग्रेशन तो क्या ही होगी, तो वो ऑस्ट्रेलियन एब ओरिजिन्स को बोलते हैं, बहुत ही आदिवासी टाइप्स हैं एंड ऑस्ट्रेलियन लोग। देन आर्केइक जो कि एग्जिस्ट किया करती थी पहले, ठीक है, वो थी मेसोपोटामिया, इजिप्शियन। देन हिस्टोरिकल कि एग्जिस्ट अभी भी कर रही है, ठीक है, एंड लेकिन एट द सेम टाइम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ हाई नहीं है, एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटीज आज भी लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ हाई नहीं है, जैसे चाइना, इंडिया। देन सीड बेड जहाँ पे विचारधाराएं प्रकट हुई दुनिया की, ऐसे ऐसे आइडियाज दिए गए जो दुनिया भर में प्रोपगेट हो गए, जैसे अब अगेन ये पार्सन्स का मानना है, ठीक है, जैसे इसराइल को बोलते हैं, ग्रीस को बोलते हैं, जैसे ग्रीस में कहते हैं कि इनिशियल ग्रीस में डेमोक्रेसी ये वो मॉडर्न वैल्यूज जो थी वो ग्रीस से आई, चाहे सोसाइटी आज एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन आइडियाज दिए इसने, सीड बेड है। सीड बेड मतलब ये वो जगह है जहाँ से आइडियाज निकलते हैं। एंड देन इसराइल को बोलता है जैसे ऐसे ऐसे धर्म की स्थापना की जो पूरी दुनिया में फैल गए। एंड देन मॉडर्न बोलते हैं ये सोसाइटी जहाँ पर डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी है, जैसे यूएसएसआर, यूरोप, जापान, ये वो सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, मॉडर्न।
तो अकॉर्डिंगली वो बोलते हैं बस आपको ये पांच तरह के टाइप हमने इसका मैंने कीवर्ड्स यहाँ रखा हुआ है पहासम बना के, ठीक है, और क्योंकि आपने कोट करनी है और अकॉर्डिंगली एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, प्रिमिटिव, आर्केइक, हिस्टोरिकल, सीड बेड एंड मॉडर्न, ठीक है, एंड एक एक एग्जाम्पल। देन कम्स योर गॉर्डन चाइल्ड, गॉर्डन चाइल्ड का नाम आपको याद हो जाएगा आराम से। तो गॉर्डन चाइल्ड जी क्या बोलते हैं कि मटेरियल कल्चर पे डिपेंड करता है कि कोई सोसाइटी कितना आगे है। मटेरियल मतलब कि सामान कितना है, टेंजिबल है ना, टेंजिबल सामान कितना किसी के पास, उस पर डिपेंड करता है कि कोई सोसाइटी कितना आगे है। टेंजिबल कल्चर जैसे लेट से सिंपल सा चलो आप एक लेके चलो कि लेट से अगर एक सोसाइटी है जहाँ पे कोई मोबाइल फोन्स वगैरह इतने खास नहीं है, किसी किसी के पास है, और एक सोसाइटी ऐसी जहाँ बहुत मोबाइल फोन्स हैं, गैजेट्स हैं, तो जनरली आप देख सकते हो कि जो मोबाइल फोन्स गैजेट वाली सोसाइटी काफ़ी हो सकता है कि आज की एरा में इसको बहुत ही एडवांस्ड माना जाए। तो यही गॉर्डन चाइल्ड बोल रहे हैं कि मटेरियल कल्चर देखो कि उस सामान वहाँ पे कितना सारा मटेरियल प्रोड्यूस होता है, मटेरियल टेंजिबल सामान, तो उसी के हिसाब से आप बता सकते हो सोसाइटी कितना एडवांस्ड है, ठीक है। तो ऐसे हम ना ये नहीं कहेंगे फिर कि यूरोप आगे या फिर इंडिया आगे, तो जिसके पास है वो देख लो आप अकॉर्डिंगली। और वो कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, आप जो पुराने पुरातत्व जो खोल कर देखो वहाँ पर भी आपको देखेगा जिस सोसाइटी जिसको आप मान सकते हो कि काफ़ी जो बढ़िया सोसाइटी थी उसके पास बहुत सारा मटेरियल था, तो अकॉर्डिंगली, ठीक है। देन इसी पे बेस्ड आसपास ही एक लेस्ले वाइट की थियोरी, ठीक है, लेस्ले वाइट की थियोरी है एनर्जी थियोरी। एनर्जी वो कहते हैं कि देखो कहते देखना हो ना कोई सोसाइटी कितना एडवांस्ड है, ये देखो बस कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करती है वो बताएगा कि कितनी लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। आप ही खुद देखो जैसे कंट्रीज लाइक यूएसए, ये दे आर एनर्जी गजलर्स है ना, हमारी इंडिया की आबादी 130 125 कितनी करोड़ हो गई, यूएसए की 30 33 करोड़ जितनी भी है, तो वहाँ हमसे इतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो, क्योंकि दैट्स बिकॉज दे आर वेरी वेरी एडवांस्ड है ना अपने प्रोसेसेस में, लाइफ जैसे मान लो कि मेडिसिन में ले लो, चाहे स्पेस में ले लो, जहाँ मर्जी देख लो हमसे तो काफ़ी ज़्यादा आगे है ना, वो एनर्जी कंजम्पशन भी हमसे बहुत ज़्यादा है। तो लेस्ले वाइट की थ्योरी वो कहते हैं कि देखो समाज को देखना हो आगे पीछे कि कितना है, तो कहाँ देखो एनर्जी कितनी कंज्यूम करता है वो, और कहते हैं एनर्जी ही कॉज है, एनर्जी ही इफेक्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, एनर्जी के कारण ही और एनर्जी के कारण ही बदलाव आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, एंड एनर्जी के कारण ही जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। एंड क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म इन सभी का जो न्यू एवोल्यूशनरी वाली, अगेन इसी में से उठा लो कि वैल्यू बायस्ड है, कि हम ये मटेरियल को क्यों माने, हमारे जैसे जो कल्चर है इंडियन कल्चर ये स्पिरिचुअल कल्चर है, यहाँ पे मटेरियलिज्म को कभी दिया ही नहीं गया, हमारे जितने भी पुराने जितने भी थिंकर्स हुए राइट फ्रॉम बुद्ध टू लेटेस्ट लेट से महात्मा गांधी, तो यहाँ पे सभी ने बोला कि मटेरियल कल्चर तो आपको शांति देगा ही नहीं ना, दिमाग की शांति, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इतने अमीर हैं लेकिन खुश नहीं है। तो ये कहते हैं हम एक एडवांसमेंट बोल किसके रोए हैं, हम डेवलपमेंट बोल किसके रोए हैं ना, ये वैल्यू बायस है, अगेन इट हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू बायस, जो ये जितनी थियरीज हैं कि एनर्जी बहुत कंज्यूम करते हो आप, तो हमारे जितने भी लेट्स से जो साधु महात्मा थे इंडिया के, वो तो दे नेवर रियली कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी, वो तो अगर आप ऐसे अगर हाइपोथेटिकल अगर बात माने कि लेट्स से अगर वो एग्जिस्ट करते थे जो इतने इतने साल तपस्या कर रहे हैं, तो हाउ आर दे सर्वाइविंग, वो तो बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे ना, एंड दे वर सर्वाइविंग फॉर आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, कितने 100 साल वो बिना एनर्जी किए कंज्यूम किए तपस्या कर रहे हैं, मान लो अगर ऐसे मान लो लेट्स अज्यूम इफ दे एग्जिस्टेड। तो इसलिए इंडियन जो या फिर जो ईस्टर्न जो कल्चर है वो तो इसको मानता ही नहीं है ना, वो कह रहा है अगेन आपने अपने वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया हमें कि ये देखो ये चीज़ें बढ़िया हैं और ये चीज़ें बढ़िया हैं, अगर आप ये कर रहे हो तो आप बढ़िया हो, है ना। तो इसीलिए चाहे कहा नहीं कि यूरोप बढ़िया है लेकिन फिर भी कह दिया। ओके, देन आती है साइक्लिकल थियरीज कि ठीक है कभी आप ऐसे बढ़ते हो आगे बढ़ते हो फिर लेकिन फॉल होगा ही होगा, है ना, ऐसे वाला। इसमें अजम्पशन क्या है कि साइकिल जो क्या करती है, जो सोसाइटी साइकिल में घूमती है रेपिटेटिवली घूमती रहती है। ऑसवर्ल्ड स्पेंगलर, ये ना देखो नाम ना याद रखना, स्पेंगलर, लेस्ले वाइट की थ्योरी यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है, आगे मैं आपको एक और बताऊंगा वो यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। अभी नाम से यूपीएससी ने 2-3 थ्योरीज पूछी हुई हैं, तो जैसे यहाँ से तो जो कोई नहीं पूछी ये तो आपको फिर भी याद होनी चाहिए, ठीक है, एंड लेकिन यहाँ पर अपनी ऑसवर्ल्ड स्पेंगलर की थ्योरी पेपर में आ चुकी है। ओके, तो वो सिंपली लिखते हैं कि ऑक्सफोर्ड स्पेंगलर की थ्योरी बता दीजिए आप जो सोशल चेंज की, 10 मार्कर होता है, आपको पूरी थ्योरी बतानी है देन उसका क्रिटिसिज्म ऑफर करना है, ठीक है। ओके, अब ये क्या बोलता है कि सोसाइटी का जन्म होता है फिर बढ़ती है ग्रोथ फिर डिके करनी शुरू कर जाती है फिर सोसाइटी खत्म डेथ, तो कहता है होगा ही होगा इनएविटेबल है। कोट क्या, किसको कोट करोगे आप, रोमन सिविलाइजेशन को, है ना, राइज हुआ ग्रोथ एकदम फिर फॉल करनी शुरू होगी फिर खत्म ही होगी पता नहीं कहाँ पर अब। और ये एंशियंट जो थ्योरी है ऑफ युग, युग थ्योरी जो इंडिया की युग आते हैं पता नहीं कौन से युग थे ना, हमारे देश में युग हैं बहुत सारे, द्वापर युग, त्रेता युग, सत्ययुग एट्सेट्रा, तो सत्ययुग, द्वापर, त्रेता,
देन आता है आपका कलयुग, कलयुग में सब कुछ खत्म है ना, साइकिल डिके करते सोसाइटी बहुत ज्यादा, फिर सोसाइटी मर जाती है, फिर दोबारा सत्ययुग आ जाता है। तो ये युग थ्योरी के बहुत क्लोज है, यू कैन कोट दिस, क्योंकि युग थ्योरी के ऊपर तो वेबर ने भी लिखा हुआ है। ओके देन, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है ना कि ये थोड़ी लिख सकता हूँ पेपर में, लिख सकते हो आप, ठीक है, इट्स ओके। तो क्योंकि यू हैव टू राइट अकेडमिकली, डोंट बी अफ्रेड, ठीक है, बट हाँ डोंट रियली कोट ऐसे, जैसे इरेशनल चीजें मत कोट करना, जैसे है ना, यू नो व्हाट आई एम स्पीकिंग। तो इसीलिए कोट जो अकेडमिक लगे, वट एवर सीम्स अकेडमिक टू यू, ओके। चलो देन परेटो, विल्फ्रेडो परेटो क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलरली किसके, एलीट्स के बारे में। हमने जो पॉलिटिक्स के चैप्टर में इनके बारे में डिस्कशन की थी, ये क्या बोलते हैं, हिस्ट्री किसकी है, सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स, सिर्फ एलीट्स ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आते रहते हैं। मतलब जैसे वो कहते हैं दो तरह के एलीट्स हैं, लायंस एंड फॉक्सेस, कभी लायन की बारी आ जाती है राज करने की, कभी फॉक्सेस की आ जाती है, लायन फॉक्सेस के लिए जगह बना देते हैं, फॉक्सेस लायन के लिए, आपस में घूमते रहते हैं, ठीक है। ये ऐसा तो है नहीं कि कभी मासेस भी रूल करेंगे, सिर्फ ये दो तरह के एलीट्स हैं, लायंस एंड फॉक्सेस, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है पॉलिटिक्स चैप्टर में, जाके थोड़ा सा वहां देख सकते हैं आप। देन कम्स योर पेट्रिम्स और ओरोकिन, इनकी सबसे सिस्टमैटिक थियरी है, ये कह रहे हैं कि तीन डिस्टिंक्ट टाइप होती है, एक आइडिएशनल, आइडियलिस्ट एंड सेंसेट, तीन तरह की हमारे पास समाज में जो सॉरी सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं, आइडिएशनल, सेंसेट एंड आइडियलिस्ट, ठीक है। जो अब यहाँ पे सिंपल देखो, ये किस तरह से रियलिटी को, जो आपके सामने रियलिटी है उसको किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह से समझने की ट्राई करते हैं, उस पर ही बेस्ड हमारे क्या है ये तीन तरह की सोसाइटीज। ओके, इसे पहला आइडिएशनल, आइडिएशनल मतलब कि स्पिरिचुअलिज्म, मिस्टिसिज्म पे बहुत ज्यादा विचार यहाँ पे इनके वो हैं कि स्पिरिचुअल, सब कुछ स्पिरिचुअल है ना, कि रियल में है या नहीं, आप उसको बस बहुत ही फिलोसॉफिकली समझाने की ट्राई कर रहे हो, है ना। ओके देन सेंसेट, सेंसेट इज जो सेंसेस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, जो ऑब्जर्व किया सिर्फ उसी पे बेस्ड है, काफी जो मॉडर्न वर्ल्ड हम एग्जिस्ट मानते हैं, रैशनैलिटी वाला, रेनेसां वाला, उस वाले वर्ल्ड की बात हो रही है, जो रियलिटी जो दिखेगी एम्पिरिकली इंडक्टिविस्ट वो वाली बात ही मानेगा, अदरवाइज नहीं मानेगा, ठीक है। एंड वो कहते हैं देन कम जो आइडियलिस्ट, ये दोनों का कुछ ना कुछ बीच में मिक्सचर है कि दोनों को इम्पोर्टेंस दे रहा है ये। एंड देन ही राइट्स कि एक दूसरे को, जैसे मान लो आइडिएशनल, आइडिएशनल को लेट्स से मैं आइडिएशनल लिख दूं, है ना, और लेट्स से सेंसेट, एंड देन योर इज आइडियलिस्ट, ये आइडियलिस्ट। वो कह रहे हैं तीन तरह की सोसाइटी है, एक दूसरे में ही मिलती रहती है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकती है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकती है, है ना, एंड वाइस वर्सा, ये इसमें भी हो सकती है, ये इसमें भी हो सकती है, ये इसमें भी, तो आपस में ये चीज़ें तीनों में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। यू कैन नॉट रियली से कि ये स्टेप वन होगा, ये टू होगा, ये थ्री होगा, या फिर कुछ भी, एनीथिंग कैन बी स्टेप वन, कैन बी स्टेप टू, कैन बी स्टेप थ्री, एनीथिंग कैन बी एनीथिंग, ओके, एनीथिंग कैन कन्वर्ट टू एनीवेयर। तो इसलिए बोलते हैं कि तीन तरह की चीज़ें हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि सोसाइटी रियलिटी को कैसे परसीव कर रही है। तो इनकी थ्योरी भी काफी इसलिए ब्रॉड थ्योरी है। ओके, और ये क्या बोलते हैं कि जो बदलाव के इन्होंने दो विचार किया प्रकट किए कि बदलाव कहाँ से आता है, ये अभी तक पेपर में पूछा नहीं गया सोरोकिन का, लेकिन आ सकता है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस थियरीज में से एक है, इसलिए हम पढ़ते हैं इनको। तो ये क्या बोलते हैं कि जो बदलाव का जो मेन थ्रस्ट, मेन पुश कहाँ से आता है, विद इन द सिस्टम, अदरवाइज विद इन द सिस्टम वाली चीजों को थोड़ा इग्नोर भी करते हैं पहले। और ये बोलते हैं कि एक चेंज की एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि जितना भी आप चेंज करना चाहो समाज को कर सकते हो, वो कहते हैं चेंज की लिमिट है, अकॉर्डिंगली ही समाज बदलेगा, ठीक है, जितने जिसमें लिमिट ज्यादा होगी उतना ज्यादा बदल जाएगा। देन कम्स योर मार्क्स, मार्क्स तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हमने कवर किया है, जो बात शुरू करते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म, है ना, एंड सो ऑन सो फोर्थ। देन उनके बाद एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन आता है, प्रिमिटिव के बाद स्लेव वाली सोसाइटी वाला, देन फ्यूडल, देन कैपिटलिस्ट, देन सोशलिस्ट, एंड देन कम्युनिज्म आ जाएगा। और वो कहते हैं क्लास स्ट्रगल चल रही हैव एंड हैव नॉट की, वही मोटर है ऑफ सोशल चेंज, है ना, मोटर कितना काम करती चलाती है, कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो चेंज आता है जब सही वक्त आता है ना, व्हेन टाइम इज राइट, वो जो कंडीशंस बताते हैं, एंड देन किस के कारण, लेकिन ये सब कुछ डिटर्मिनिज्म, मतलब किस पर सब कुछ निर्भर करता है, डिटर्मिनिस्ट क्या है, ये मार्क्स क्या समझते हैं, इकोनॉमिक पर, कि जितनी इकोनॉमी एक्सप्लॉयटेटिव होती जाएगी सिस्टम, उतना ही ज़्यादा आपका बदलाव आने के चांस बढ़ जाएंगे। एंड सिर्फ और सिर्फ हर एक चीज़ को, वो कह रहा है इवन रिश्तों को, सबको ही कौन जो डिक्टेट कर रहा है, इकोनॉमी कर रही है, ठीक है, पैसा। मार्क्स वैसे जो इंडियन वाली बात करते हैं कि पैसे से ही सब चल रहा है ना, ऐसे लग रहा है मार्क्स ने ऐसे ही बात बोली कुछ। ओके देन कम्स योर मैक्स वेबर, मैक्स वेबर आ रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कैन बी गुड, कि कॉन्फ्लिक्ट है तो मार्क्स को बुरा मान रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट अच्छा भी हो सकता है, ये आपको पुश कर सकता है और कुछ ना बेटर करने के लिए। जैसे वो बोलते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, जो उनकी थियरी हमने पढ़ी भी, तो पीईएससी में ये बात करते हैं
कि किस तरह से जो प्रोटेस्टेंट एथिक ने किस तरह से समाज को बदला, कैपिटलिज्म की तरफ ले गया, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ, लोगों को इनकरेज किया कि और बनाओ सामान और मेहनत करो, है ना। वो कह रहे हैं कि इट कैन बी गुड, कॉन्फ्लिक्ट था प्रोटेस्टेंट्स का, है ना, उसके कारण क्या हुआ, चेंज आया, कौन सा, कैपिटलिज्म आया। तो इसलिए चेंज बिकॉज ऑफ कल्चरल फोर्सेस। तो हमने ये, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, अगेन हमने रिसर्च मेथडोलॉजी में हमने ये एक एग्जांपल पढ़ा था जो ग्रेट स्मोकी, है ना, माउंटेन्स वाली स्टडी पढ़ी थी हमने, वहाँ पे बताया गया था कि मैक्स वेबर की थ्योरी को गलत प्रूव करते हैं वो, कि कल्चरल चेंजेस के कारण कोई ऐसा नहीं है, कि ऐसा नहीं होता कि किसी का कल्चर है बदलाव का, किसी का कल्चर ही नहीं है बदलाव वाला। वो बोलते हैं ना, मैक्स वेबर बोलते हैं स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वाली थ्योरी पढ़ते हैं जब हम, कि हर एक समाज में कैपिटलिज्म क्यों नहीं आ गया, तो कहते हैं क्योंकि हर एक समाज में, जैसे प्रोटेस्टेंट एथिक्स में बात करते हैं, क्योंकि वहां पर एक तो आपको क्या चाहिए, स्पिरिट चाहिए, मतलब जज्बा चाहिए, एंड मटेरियल भी चाहिए, है ना, स्पिरिट के साथ मटेरियल भी होना चाहिए, कि आपके पास सामान भी होना चाहिए ना, जिसके बल पे आप कुछ प्रोड्यूस करोगे। तो कह रहे कहीं कहीं पे स्पिरिट नहीं होता, कहीं पे मटेरियल नहीं होता, कहीं पे दोनों ही नहीं होते, है ना। कहते हैं यहाँ पे प्रोटेस्टेंट वाले जो थे वहां पर, जो यूरोप में, वहां पर दोनों ही चीजें मिल गई और अकॉर्डिंगली कैपिटलिज्म आ गया। तो कह रहे हैं कि इसलिए कल्चर होता है, कल्चर में ही डिपेंड करता है कि बदलाव होगा या नहीं होगा। तो लेकिन इसको गलत प्रूव किया था ग्रेट स्मोकी माउंटेन स्टडी में, वहाँ पे बोला गया था कि नहीं, कहते सिमिलर लोगों को जब अपॉर्चुनिटीज दी गई कुछ करने की, उन्होंने कर दिखाया। कहते सेम ही कल्चर था, लेकिन अकॉर्डिंगली अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई, लोगों ने मेहनत करनी शुरू कर दी, अकॉर्डिंगली बोलते हैं। इसलिए कल्चर पर डिपेंड नहीं करता, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पर डिपेंड करता है, मैक्स वेबर का क्रिटिसिज्म है वो। ओके, देन डिफ्यूजनिस्ट स्टडी। डिफ्यूजन मतलब कि जैसे लेट्स से ये आपकी सोसाइटी थी, धीरे धीरे बाहर से बदलाव आपके सोसाइटी के अंदर आता रहेगा, धीरे धीरे बदलाव। वो कह रहे हैं कि रेडफील्ड, मिल्टन सिंगर, मैके मैरियट, पेपर टू का ये ब्रेड एंड बटर है, ये तीन चार नाम तो बार बार पढ़ेंगे हम, तो इनको ठीक है। ये क्या बोलते हैं कि जो सोर्स ऑफ चेंज है कहाँ से है, वो सोसाइटी के बाहर से है। चेंज कल्चर के साथ शुरू होता है, ठीक है, एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट। अगर बाहर की सोसाइटी का कल्चर आपको जब टच करेगा, आपकी सोसाइटी को छुएगा, तो क्या होगा, दो तरह की चीज़ हो सकती हैं, ठीक है, या तो एसिमिलेशन या एकल्चरेशन। एसिमिलेशन मतलब कि देखो, एक कल्चर आया, दो कल्चर आए, तीन कल्चर आए, चार कल्चर, कुछ नया ही खिचड़ी पक गई, कुछ नया बन गया। जैसे अमेरिका, जो अमेरिकन कल्चर ना तो यूरोपियन कल्चर है ना, यूरोपियन आए थे, यूरोपियन कहाँ से आए थे, कोई यूके से गया, कोई फ्रेंच है वहाँ पे, कोई डच है, तो कुछ उन्होंने नया ही क्रिएट कर दिया, है ना, एसिमिलेट कर दिया, नए बन गए कुछ। देन होता है एकल्चरेशन। एकल्चरेशन क्या होता है कि लेट्स से ये इंडिया था, है ना, इंडिया में वेस्टर्न जो फॉरनर्स आके रहे वो इंडियन जैसे इंडियनाइज हो गए वो, तो उसको क्या बोलते हैं, एकल्चरेशन। कि इंडिया में भी बहुत तरह के लोग आए, पारसीज भी आए, मुस्लिम्स भी आए, है ना, बहुत तरह के लोग आए, तो एंड वो इंडियन होके रह गए। तो इंडिया में जो प्रोसेस कौन सा दिखता है हमें, एकल्चरेशन का, कि इंडिया का कल्चर जो है वो अपना लेते हैं। ओके, देन पॉसिबिलिटी क्या होती है कि रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी भी होती है, कि बाहर का कल्चर आया, आपने नकार दिया, हमें चाहिए ही नहीं आपका कल्चर। जैसे ट्राइब्स, बहुत सारे ट्राइब्स आज भी काफ़ी पुरानी तरह से बिहेव करते हैं, रहते हैं, और जैसे वो रहा करते थे, क्योंकि उन्होंने बाहर के कल्चर को रिजेक्ट किया हुआ है। ओके, देन कम्स योर मैल इंटीग्रेशन थ्योरी। ठीक है, मैल इंटीग्रेशन थ्योरी, नील स्मेल्सर, है ना, नील स्मेल्सर का नाम पढ़ा हुआ हमने, नील स्मेल्सर जी जो हमारे पास प्रोटेस्ट एंड रेवोल्यूशन एंड मूवमेंट के जो एक्सप्लेन करते हैं सोशल मूवमेंट्स को, और राम कुमार मर्टन जी, स्पेलिंग गलत हो गए, तो मर्टन जी की बात भी हो रही है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि माल इंटीग्रेशन का मतलब कि देखो, समाज में कुछ कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये समाज उसमें कुछ कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ओके, तो ये विद टाइम क्या हुआ, जैसे मान लो ये कोई चीज़ फंक्शन पूरा कर रही थी, ये चीज़ फंक्शन पूरा कर रही थी, ये चीज़ फंक्शन पूरा कर रही थी, विद टाइम इसने फंक्शन पूरा करना बंद कर दिया। इमेजिन रिलीजन, रिलीजन है, रिलीजन भी फंक्शन पूरा कर रहा है, ठीक है, लोगों को लेट से मन की शांति दे रहा है, लोगों को ऐसे ना इकट्ठा कर रहा है, लेकिन लेट से कि अभी फंक्शन सारे इसके एकदम से होने जैसे भी हुआ, फंक्शंस करने बंद कर दिए, इसलिए ये डिसफंक्शनल हो गया। ठीक है, डिसफंक्शनल हो गया, तो अब सोसाइटी में इनकम्पैटिबिलिटीज आ जाएंगी ना, इनकम्पैटिबिलिटीज आ गई तो स्ट्रेन आ जाएगा, स्ट्रेन आ गया मतलब सोसाइटी में कुछ ना ऐसे अब दिक्कत सी आ गई। मान लो कि लोगों को मन की शांति मिलनी बंद होगी रिलीजन से, सोसाइटी में स्ट्रेन आना शुरू हो गया, स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो गया, तो उसके बाद लोग इकट्ठे होंगे, कलेक्टिव मोबिलाइजेशन होगी, सोशल मूवमेंट्स आएंगी, एंड उसके कारण लोग बदल देंगे रिलीजन को ही, सोशल चेंज आ जाएगा। जैसे हुआ ही था क्रिश्चियनिटी में जब सोशल चेंज आया तो क्या हुआ, उसके बाद शुरुआत किसकी हुई थी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स की, प्रोटेस्टेंटिज्म आया था, होता ही ऐसे। तो ये क्या बोलते हैं स्मेल्सर और मर्टन, क्या बोलते हैं कि मर्टन ने आइडिया दिया फंक्शनलिज्म का, कि फंक्शन कैन बिकम डिसफंक्शनल,
स्पेंसर बोलता है अच्छा अगर अगर डिसफंक्शन हो सकता है तो एक काम करते हैं तो उस डिसफंक्शन को यूज़ कर लेते हैं बदलाव लाने के लिए कि डिसफंक्शन होगा तो समाज में कुछ स्ट्रेस आ रहेगा स्ट्रेन आ रहेगा उस स्ट्रेन को दूर करने के लिए लोग मोबिलाइज हो जाएंगे इकट्ठे हो जाएंगे मूवमेंट चलाएंगे एंड समाज बदल देगा उस चीज़ को सोशल चेंज आ जाएगा सोशल चेंज की थ्योरी आ गई। ये एक और थ्योरी यूपीएससी ने 2014 में पूछी थी कल्चरल लैग थ्योरी। तो इसीलिए देखो हिट एंड ट्रायल है कौन सा पूछेंगे हमें नहीं पता तो हमें सारी थोड़ी थोड़ी जाननी पड़ती है। ओके कल्चरल लैग थ्योरी के जो दाता हैं उनका नाम क्या है ऑगबन एंड निमकॉफ। आपको ना ये उन्होंने कल्चरल लैग थ्योरी लिख के पूछा था ऑगबन एंड निमकॉफ आपको बताना था कि सर ये ऑगबन एंड निमकॉफ की ये थ्योरी है। तो कह रहे हैं कि कल्चर के दो पार्ट्स हैं बहुत ध्यान से सुनना दोबारा रिपीट हो सकती है कल्चर के कहते हैं किसी भी कल्चर के दो पार्ट्स हैं मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। मटेरियल जैसे जिनको छू सकते हो ऑब्टेनजिबल जैसे टेक्नोलॉजी है ना या फिर और मटेरियल गुड्स आपके मोबाइल फोन गैजेट्स वगैरह। देन नॉन मटेरियल कौन से होते हैं वैल्यूज बिलीफ सिस्टम रिलीजन फैमिली सिस्टम एजुकेशन मैरिज एट्सेट्रा है ना ये सब आपके नॉन मटेरियल चीज़ें हैं। तो ये देखो ये कल्चरल लैग थ्योरी क्या बोलते हैं कि कहते हैं कल्चर के ये दो हिस्से हैं तो कहते हैं लेकिन जो मटेरियल है जो कल्चर आपका मटेरियल कल्चर ये बहुत तेज़ी से बदलता है लेकिन नॉन मटेरियल की इतनी स्पीड नहीं है ये थोड़ा सा लैग करता है पीछे रह जाता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि नॉन मटेरियल कल्चर जो है ये इट इज़ ऑलवेज स्लोअर टू चेंज है ना इट चेंजेस मोर स्लोली देन द मटेरियल चेंजेस मटेरियल कल्चर। तो अकॉर्डिंगली जो आपका बदलाव कौन लेकर आ रहा है आपका बदलाव लेकर आ रहा है मटेरियल कल्चर कि जैसे जैसे आपका मटेरियल कल्चर बदलता रहेगा इसके थोड़ा सा देर बाद नॉन मटेरियल कल्चर भी बदल जाएगा ऐसा मानते हैं। ठीक है तो कहीं ना कहीं बात समझ रहे हो इसीलिए देखो कहीं ना कहीं जैसे हम जो बहुत सारी हमारी पॉलिसीज बनती हैं कुछ भी होता है वहाँ पे ये बोलते हैं ना कि सड़क पहुँचानी है उस गांव तक एंड लेट्स से बिजली पहुँचानी है वहाँ तक इंटरनेट पहुँचाना है क्योंकि वो क्या चक्कर है मटेरियल कल्चर पहुँच जाएगा तो नॉन मटेरियल कल्चर देर सवेर लोगों का बदल जाएगा एंड देर सवेर नॉन मटेरियल कल्चर में भी उनके जो हम आज के एरा में मानते हैं ना मॉडर्नाइज हो जाएंगे वो मॉडर्नाइज मतलब कैसे लेट्स से डेमोक्रेटिक हो जाएंगे जेंडर इक्वालिटी को समझेंगे है ना बेटियों को और प्रोत्साहन देंगे एट्सेट्रा लॉट ऑफ थिंग्स। तो मटेरियल कल्चर को बदलने की ट्राई करते हैं नॉन मटेरियल विद टाइम बदल जाएगा ऑगबन निमकॉफ ने हमें ये बताया। तो योगेंद्र सिंह हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं इंडिया के योगेंद्र सिंह एनसीईआरटी में लिखा हुआ 11वीं की अगर आप पढ़ोगे ये लाइन वहीं से कॉपी की हमने योगेंद्र सिंह जी कहते हैं भाई साहब ये थ्योरी ना इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। इंडिया में कहते हैं क्यों एप्लीकेबल नहीं है वो कहते हैं क्योंकि इंडिया में मटेरियल कल्चर एग्जिस्ट नहीं करता इंडिया में इतनी गरीबी है ना जब वो लिख रहे हैं अभी चलो फिर भी अमीरी आ गई हमारा देश अमीर हो गया तो वो कह रहे हैं इंडिया में इतनी गरीबी है और ये लोगों को यहाँ पे मटेरियल कल्चर ही नहीं है खाने के लाले पड़े वो इमेजिन तो मटेरियल कहाँ से लाएंगे वो और कहते हैं लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह कहाँ से लाएंगे कहते उसके बावजूद इंडिया में चेंज हो रहा है इंडिया में चेंज इज हैपनिंग। तो कह रहे ये कैसे हाउ विल ऑगबन एंड निमकॉफ एक्सप्लेन इट। तो इसलिए बोलते हैं इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है आपकी थ्योरी का क्रिटिसिज्म में बहुत बड़ा कौन सा हमारा देश। ऑल राइट चलो जी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को फॉलो करते हैं ये लर्नर लेवी विल्बर्ट मूर मैकक्लेलैंड है ना नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है तो इतना मुश्किल भी नहीं है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी वो क्या बोलते हैं कि जनरली कि जैसे जैसे ना समाज आगे जो जैसे बढ़ता है वो कहते हैं कि ब्रॉडली आप देखोगे समाज में सभी तरफ ही एक ही तरह के पैटर्न नजर आएंगे आपको कि बिल्कुल ब्रॉड से पैटर्न है जैसे कि पहले सारे एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं ग्रेजुअली बढ़ते आगे समाज में तो इंडस्ट्री चलाना शुरू कर देते हैं कंट्रीज देश ने फिर जो भी अपनी जो कम्युनिटीज वगैरह तो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ मूव कर जाते हैं। ट्रेडिशनल हेल्थ केयर होता था पहले है ना हकीम वगैरह जितने भी अब कहते हैं अब वो वेस्टर्न मेडिसिन खाते हैं सभी के सभी जितने ज़्यादा वेस्टर्न मेडिसिन वाले अस्पताल बढ़ते हैं उतना कंट्री को मॉडर्न मानते हैं हम एंड देन कहते हैं पहले एग्रीकल्चर में अगर देख लो पहले प्रिमिटिव था अब टेक्निकल तरह से करते हैं। तो कहते यही ब्रॉडर से पैटर्न इमर्ज होंगे दुनिया में मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में क्या बोलते हैं कि ब्रॉडर से पैटर्न इमर्ज होंगे दुनिया में और वो पैटर्न हर जगह ही फॉलो हो रहे हैं और ऐसा नहीं है ठीक है कहीं पर समाज में कि यहाँ हो रहे हैं यहाँ नहीं हो रहे कि ऐसा नहीं मतलब कहीं ना कहीं देखा गया कि अच्छा पहले टेक्निकल एग्रीकल्चर था अब प्रिमिटिव। लेकिन इसका अगेन क्रिटिसिज्म भी यही है ऐसा नहीं है क्योंकि हमने देखा जितने भी मॉडर्न जितने भी चीज़ें हैं उन सबकी लिमिट है वो अनसस्टेनेबल भी हैं है ना। तो देखो जैसे मान लो कि टेक्निकल एग्रीकल्चर इज गोइंग बैक टू प्रिमिटिव ऑर्गेनिक फार्मिंग कर ही रहे हो ना आप ऑर्गेनिक फार्मिंग जो अभी हमने ZNBF भी देखा था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF सॉरी वो भी सब यही तो है एंड देन अब ट्रेडिशनल हेल्थ केयर की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल जो बाबा रामदेव एट्सेट्रा जो इतना ज़्यादा फेमस हो रहे हैं दैट इज ट्रेडिशनल हेल्थ केयर। तो ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से लोग अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स दे मूविंग बैक टू एग्रीकल्चर ठीक है। तो ये पैटर्न ऊपर नीचे होते ही रहेंगे तो अकॉर्डिंगली
तो मॉडर्नाइज किसको बोलेंगे हम, तो ये कहना ही अब बहुत दिक्कत की बात हो गई। एंड देन तो उसके बाद ये क्या बोलते हैं क्रिटिसिज्म में, और भी पॉइंट लिख सकते हैं कि जो जो ब्रॉड पैटर्न्स हैं जो आप कह रहे हो कि देखो समाज एग्री से इंडस्ट्री जा रहा है, ट्रेडिशनल से वेस्टर्न मेडिसिन एक्सेट्रा, वो कह रहे हैं ये पैटर्न तो एफ्रो एशियन नेशन में नजर ही नहीं आते। ये कहाँ नजर आ रहे हैं अफ्रीका में कि ऐसा हो रहा है कि एग्रीकल्चर छोड़ के लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कहते हैं अफ्रीका में तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। तो इसलिए थ्योरी की यूनिवर्सैलिटी तो नहीं है कि हर जगह एप्लीकेबल है, ये तो नहीं कह सकते। और मिडल ईस्ट नेशंस वगैरह देखें, इतने इतने अमीर हो गए आज भी डेमोक्रेटिक नहीं है, तो ये कहते हैं कैसे कह सकते हो आपकी ब्रॉडर पैटर्न नजर आ रहे हैं। कहते हैं आपको जो सिर्फ लग रहा है यूरोप में अमेरिका में ऐसा हो रहा है, तो आपको लग रहा है सब जगह हो रहा है ऐसा, ठीक है। ओके, देन एक और थ्योरी देख लेते हैं, ये है कन्वर्जेंस थ्योरी। कन्वर्जेंस थ्योरी ये भी बहुत सिंपल थ्योरी है, ये क्लार्क केर, ये केर है इसका नाम, क्लार्क केर, के ई आर आर, क्लार्क केर, डनलप और हार्बिसन, ठीक है, जिसको केर एंड डनलप की थ्योरी बोलते हैं उसे। ये बोलते हैं कि कन्वर्ज, कि देखो वो कह रहे हैं, जैसे ना कहते हैं क्योंकि देखो जो जो अपना स्टिमुलाय मतलब जो चीज़ें पुश कर रही हैं, वो जो चीज़ें समाज को जो अफेक्ट कर रही हैं वो कौन सी हैं, जैसे साइंस एंड टेक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकुलरिज्म, मॉडर्न एजुकेशन, ये समाज को जो अफेक्ट कर रही हैं, समाज को छू रही हैं, एंड अकॉर्डिंगली ये समाज में फिर क्या एक ही तरह के यूनिफॉर्म से फीचर्स देके आना चाह रही हैं, जैसे समाज को एक ही तरफ कन्वर्ज कर देंगी, ये कन्वर्ज कौन सी कर देंगे, सिमिलर से कहते, चाहे चाहे आपकी कंट्री लेट्स से किसी रिलीजियस उससे आई हो, चाहे स्पिरिचुअल उससे आई हो, हाँ जैसे मर्जी पॉइंट से आई हो, कहते सिमिलर से पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, जो कि कौन सा है, कि वो कौन सा पॉइंट है जो मॉडर्न, जैसे मान के चलो आपकी जो वेस्टर्न सी जो कंट्रीज हैं हमारी, जो कि डेमोक्रेटिक हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, सर्विस सेक्टर बढ़ता जा रहा है ना, वुमेन की इक्वालिटी की बात होती है, तो वो कह रहे चाहे जो मर्जी आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो, कन्वर्जेंस यहीं पर ही कहीं हो रही है। तो इसीलिए ये क्या बोलते हैं कि वट एवर द स्टार्टिंग पॉइंट जो मॉडर्नाइजेशन का आपका, कन्वर्जेंस तो कहीं ना कहीं सिमिलर सी जगह पर ही हो रही है। तो क्रिटिसिज्म क्या है, चाहे मॉडर्निटी थ्योरी का भी देख लो, कन्वर्जेंस का भी देख लो, ये क्या है कि बहुत ही सिंपलिस्टिक है और वेस्टर्न बायस है, जो वेस्ट को ये सबसे एडवांस्ड कंट्रीज मानकर ही उसके हिसाब से सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि देखो वेस्ट सबसे अच्छा, यहाँ पर कैसे पहुँच रही कंट्रीज हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसीलिए एक अपनी एक और जो थ्योरी देख लेते हैं, आखिरी थ्योरी है हमारे पास, तो ये है, इट इज़ अबाउट वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। ये भी यूपीएससी पूछ चुका है लेकिन थोड़ा पहले। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ये किसकी, इमानुअल वॉलरस्टीन की ये थ्योरी है। तो यहाँ पे एक बार आप करते हैं, इमानुअल वॉलरस्टीन की थ्योरी, और ये देखो ये ना जो समाज के जो बदलाव है उसको थोड़ा ग्लोबल लेवल पे बताने की ट्राई करता है। और जैसे क्या बताते हैं, कहते हैं देखो समाज में तीन तरह की कंट्रीज होती हैं, जो दुनिया में तीन तरह की कंट्रीज हैं, एक बोलते हैं कोर, एक बोलते हैं सेमी पेरीफ्री, और एक बोलते हैं पेरीफ्री। ये तीन तरह की कंट्रीज़ हैं। जो कोर कंट्रीज हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हाईली डेवलप्ड, और ये क्या करते हैं कि ये जो सेमी पेरीफ्री कंट्रीज़ को अपने साथ लगाए रखते हैं, और क्या बोलते हैं कि सेमी पेरीफ्री को बोलते हैं कि आप पेरीफ्री कंट्रीज़ को, जो सुपर गरीब कंट्रीज़ हैं, इनको आप इनको अपने साथ लगाए रखो, अपने पे डिपेंडेंट बनाए रखो। तो ये इस तरह से इनको वो कहते हैं, कोर सेमी पेरीफ्री को अफेक्ट करता है, सेमी पेरीफ्री पेरीफ्री को अफेक्ट करती है। तो इसी तरह से कहते हैं सोशल चेंज आता जाता है, सोशल चेंज जो परकुलेट होता रहता है, कहते हैं डायरेक्टली कोर पेरिफेरी को इतना जो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता। तो ऐसे तो इसीलिए क्या बोलते हैं ये, अब वो लेकिन ना जो इमानुअल वॉलरस्टीन है, ये थोड़ा सा ये चाह रहे हैं दिखाना, एक हिडन इसी चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से अभी भी जो कोर कंट्रीज हैं, चाहे वो आपके देश पर राज नहीं करती, ठीक है, आपके देश में ऐसा नहीं हुकूमत चला रही है, लेकिन फिर भी चला रही है, इसी को दिखाने की ट्राई करते हैं कि नियो इम्पीरियलिस्ट है, इम्पीरियल मतलब एम्पायर बनाना चाहती हैं ये कोर कंट्रीज, जैसे मान लो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूके, फ्रांस, यूएसए, ये अभी भी क्या है, ये कोर में बैठे हैं, एंड इस तरह से ये टेक्नोलॉजी बनाती हैं, इस तरह से काम कर रही हैं, पॉलिसीज बनेंगी कि सेमी पेरीफ्री के थ्रू ये पेरीफ्री पर अपना हक चलाएंगी, एंड या फिर क्या कहें कि अपना एम्पायर चलाएंगी। तो ये इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे थे, मार्क्सिस्ट तरह के मार्क्सिस्ट हैं इमानुअल वॉलरस्टीन भी, और इसलिए क्या बोलते हैं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं एक्सप्लॉयटेशन का ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो कोर कंट्रीज हैं ये कहते हैं हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और पेरीफ्री कंट्रीज को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखती हैं, वो इतनी कभी टेक्नोलॉजी बना ही नहीं पाते। जैसे वो कहते हैं कि देखो अब हमने ग्रीन टेक्नोलॉजी बना ली कि जिससे पॉल्यूशन नहीं होगा, तो आप हमारी टेक्नोलॉजी खरीद लो, वो कहते हैं अच्छा जी सर अभी तो हमने अभी भी डीजल इंजन खरीदा, कहते कोई बात नहीं छोड़ो डीजल इंजन आप ये करो, तो मीनवाइल टेक्नोलॉजी वहाँ मूव कर गई, हम सब सोलर कर रहे हैं, सोलर का देखो आप खुद इमेजिन करो, सोलर के हमारे पास है ही नहीं, कुछ बनाने की फैसिलिटीज ही नहीं है, सारा का सारा सोलर हम बाहर से मंगवाते हैं। तो अकॉर्डिंगली डिपेंडेंसी तो चलती ही रहेगी। तो इसीलिए इमानुअल वॉलरस्टीन इज नॉट रॉन्ग,
ठीक है, इज नॉट मेजरली रॉन्ग, यस ही इज रॉन्ग एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस। तो इसीलिए कहते हैं, जैसे आप देखो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन देखो, MNCs देखो, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सभी के सभी क्या है, ये कोर कंट्रीज द्वारा ही कंट्रोल्ड है। एंड इसके थ्रू वो किस पे अपना जो अपनी, जैसे IMF ने इंडिया को बोला 1991 में कि अब टू ओपन अप इट्स इकोनॉमी, इंडिया को बोला गया कि LPG लेकर आओ, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लेकर आओ एंड अकॉर्डिंगली ओपन अप योर इकोनॉमी। इसके किसने, IMF ने बोला, ओपन अप योर इकोनॉमी टू होम, किसके लिए, वही वेस्टर्न कंट्रीज के लिए और है ना बाहर वाली। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ही इज नॉट वेरी रॉन्ग व्हेन ही सेज कि ये नियो इंपीरियलिज्म चल रहा है अभी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास कुछ थ्योरीज थी जो आपको बतानी जरूरी है। ठीक है, जैसे एक बार रिपीट कर लो कि वर्ल्ड सिस्टम कन्वर्जेंस, दुनिया सारी कन्वर्ज कर रही है, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट हो कन्वर्ज हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन के कुछ पैटर्न नजर आते हैं, कल्चर लैग में दो तरह के कल्चर थे, मटेरियल नॉन मटेरियल, और मटेरियल आगे नॉन मटेरियल पीछे, माल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट की कोई चीज़ थी डिसफंक्शनल हो गई, समाज में स्ट्रेन आ गया तो बदलाव आ रहा है ना। तो इनके आगे ना जो जिसने दी थी नाम याद करना, डिफ्यूजनिस्ट, की बाहर से बदलाव आता है उसको आप जो असिमुलेट करके एक नया कल्चर निकाल सकते हो, और कल्चर रहोगे तो एक कल्चरेशन से कुछ एग्जिस्टिंग कल्चर के हिसाब में ढल जाओगे, या रिजेक्ट भी आप कर सकते हो। ओके, वेबर ने बोला कॉन्फ्लिक्ट गुड भी हो सकता है, कल्चर पर डिपेंड करेगा। मार्क्सियन थ्योरी क्या है कि नहीं भाई, क्लास स्ट्रगल चल रही है, पांच चीज़ें बताई मार्क्स ने तो हमें, उसके बाद जो पेट्रियम सोरोकिन का, तीन तरह से परेटो, फॉक्सेस एंड लायंस, है ना, ऑक्सफर्ड स्पेंगलर की युग थ्योरी से जो ड्रिवन है, लेस्ले वाइट एनर्जी, गॉर्डन चाइल्ड मटीरियल एंड पार्सन्स की पाँच चीज़ें, न्यू एवोल्यूशनरी में पार्सन्स भी थे। एंड देन उसके बाद हमारे पास एवोल्यूशनरी में थे हमारे पास कौन से, TCS कौन से हैं, टाइलर, कॉम्प्टे, स्पेंसर। टाइलर, कॉम्प्टे, स्पेंसर हमारे पास तीन लोग हैं जो यूनिलीनियर में है। टाइलर, कॉम्प्टे, स्पेंसर, टाइलर का था हमारे पास कौन सा, सेवेजरी, बार्बिज्म, सिविलाइजेशन। कॉम्प्टे का क्या है, कॉम्प्टे का नाम कैसे याद करते हैं, TMP, थियोलॉजिकल मेटाफिजिकल पॉजिटिव। तो अपने इसको नज़रअंदाज मत करना कि यही तो कौन याद करेगा, याद करोगे नंबर आएंगे आपके। ठीक है, आपको स्पेशली इन पर भी स्पेसिफिक सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा जो छोटा सा टॉपिक, देन इस चैप्टर में जो और टॉपिक हैं ग्रेजुअली वो भी कवर करते हैं। तो बस जुड़े रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट।